अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के साथ आसानियाँ पैदा करें। आज हम बात करेंगे कि क्या असाइलम करते वक्त आप लोगों को पासपोर्ट देना चाहिए या नहीं। इस पर छोटी सी वीडियो है, देख रहे हैं आप। अगर देखते हैं आप क्या आपका असाइलम मजबूत है, आपके असाइलम में जान है, आपकी स्टोरी अच्छी है और आपके पास कोई एविडेंस सबूत वगैरह हैं, चाहे वो डिजिटल है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, किसी भी तरह के अगर आपके पास सबूत हैं तो आपको चाहिए कि आप पासपोर्ट दे दें। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो फिर आप खुद सोच सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप ना दें या दें, मर्जी आपकी होनी है, मसला आपका है, हल आपने करना है। इसमें कोई भी नहीं कह सकता। अगर हम ये कहें कि मैं कह दूं ये पासपोर्ट ना दें तो ये गलत बात है, ये मुझे लगता है कि गलत बात है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन सोचना आपने खुद है। देखें, मैंने बड़ी दफ़ा कहा है, बहुत बार बार कहा है असाइलम के वक्त कि आपको पासपोर्ट देना चाहिए। देखें, आजकल वैसे भी एक यूरोप में एक नया कानून चल रहा है, नई चीज़ चल रही है, लास्ट कुछ 3-4 साल से इन्होंने कह दिया होगा कि हर बंदे की आईडी होना लाजमी है। अगर आईडी नहीं होती तो ये थोड़ा सा केस को लंबा भी कर देते हैं, ये थोड़ा इनको पता नहीं चलता कि आप कहाँ से आए हैं। अगर आपने आगे कुछ कुछ भी आईडी नहीं दी, अपना कोई भी एविडेंस नहीं दिया, तो इनको नहीं पता कि आप पाकिस्तान से आए हैं, आप अफगानिस्तान से आए हैं, आप श्रीलंका से आए हैं, आप इंडिया से आए हैं, किस कंट्री से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, कोई पता नहीं है। और इनको जब तक ये लास्ट 4-5 साल से इनको ये पता नहीं चलता कि आप किस कंट्री से आए हैं, इनके लिए ये बहुत बड़ा मसला है। और ये इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये बंदा कहाँ का रहने वाला है, क्योंकि हमारी ज़बान एक है, अफगानिस्तान में उर्दू पंजाबी बोली जाती है, इंडिया में सारे में उर्दू पंजाबी काफ़ी हद तक बोली जाती है, श्रीलंका में कुछ लोग उर्दू पंजाबी बोलते हैं क्योंकि हमें कई श्रीलंका इधर मिलते हैं, बांग्लादेश में बोली जाती है, और भी कई ऐसे कंट्री हो गए जहाँ पंजाबी और उर्दू बोली जाती है। इससे अगर कोई बंदा कहता है जी मैं उर्दू बोलता हूँ और या पंजाबी बोलता हूँ, तो इनको खुद पता होना चाहिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ। भाई मेरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, उर्दू बोलने वाले कई कंट्री हैं, पंजाबी बोलने वाले कई कंट्री हैं, कम से कम 4-5 तो हमारी नज़र में है, कुछ और भी हो सकता है। इसलिए आपको चाहिए, फैसला आपने करना है, बात आपने समझनी है। मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है, आपके पास कोई FIR है, कोई आपके पास सबूत है, आपको किसी ने धमकी दी है, आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज है, आपके ऊपर कोई प्रिंट मीडिया, अखबार में, डिजिटल मीडिया, किसी भी तरह का आपके पास सबूत है, कोई वीडियो है, तो आप बेधड़क होकर अपना आईडी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, आपके केस की कोई बुनियाद, कोई सबूत ही नहीं है, तो फिर आपने खुद सोचना होगा कि आपने क्या करना है, देना है कि नहीं देना, ये फैसला आपका होगा। बहरहाल इन्होंने ये कर दिया है, अगर आपका आईडी नहीं है तो आपके ट्रांसफ़र में ताखीर हो सकती है। बात को समझें, असाइलम आपका लिया जाएगा अगर आपका आईडी नहीं है, लेकिन आपके असाइलम में कुछ लंबा प्रोसीजर हो सकता है, कोई टाइम लंबा लग सकता है, क्योंकि ये पैसे पहले जांच पड़ताल करेंगे कि आप कहाँ से आए हो, किस कंट्री से आए हो, आपका ताल्लुक किससे है। और दूसरा ये कि ये आपको तंग करने की खातिर, ताकि अपना आईडी दें, ये बार बार नए लोगों को बोलते हैं कि अपना आईडी लाएं, अपना पासवर्ड लाएं, अपना आईडी लाएं, पासवर्ड लाएं, जब तक नहीं देते ये केस को लंबा करते हैं। कई दफ़ा मेरे सुनने में रिसेंट आया है कि ये ट्रांसफ़र करने में काफ़ी देर लगा रहे हैं, आप ये ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, आपको लंबा खींचेंगे, आप परेशान होंगे, फिर कोई ना कोई आप आईडी, कोई फ्यूरेशन, कोई लाइसेंस कोई दे देंगे। तो बेहतर यही है कि अगर आपको मुनासिब लगे तो आपका आपको अपना आईडी मस्त देना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि क्या करना है, आपने आईडी दिया हुआ है, आपका केस सेफ हो। तो आज के लिए इतना ही, मर्जी आपकी है, अगर आप अपना आईडी देंगे तो आपके काम जल्द हो सकते हैं, अगर आप अपना आईडी नहीं देते तो आपके काम में कुछ ताखीर हो सकती है, लेकिन असाइलम फिर आपका होगा, केस पास भी होगा, केस आगे भी चलेगा। आईडी देने ना देने का मतलब ये नहीं कि आपका असाइलम नहीं चलेगा, आपका केस पास नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको वही फैसिलिटीज, वही हर चीज़ मिलेगी जो दूसरे बंदे को मिलती है। इधर बहुत सारे लोग हैं जिनका आईडी पासपोर्ट नहीं दिया हुआ, केस चल रहा है, केस पास भी हो गया, कईयों के पास नेशनैलिटी भी है। आज के लिए इतना ही, दोस्त दुआ में याद रखें, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।